हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनू सिंह सैनी फिर से सभी लोगों का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सोनू सिंह सैनी में। फिर से आप सभी लोगों के लिए कुछ जरूरी बातें जो आपकी लाइफ में और नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में आपको कामयाब बनाएंगी। दोस्तों, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको मेरी बातें, मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें आगे तक और कमेंट जरूर करें। मुझे बताएं कि आप लोगों के लिए और मैं क्या अच्छा कर सकता हूं। मैं अपने तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि मैं जो भी सीखा हूं, जो भी मैं गेन करता हूं, मैं आप सभी लोगों तक पहुंचाऊं। कि मैं सिर्फ उन्हीं चीजों को लेकर के मैं टॉपिक ला रहा हूं, उन्हीं चीजों पर बात कर रहा हूं जो मैंने इम्प्लीमेंट की हुई है। तो 10 बातें हैं जो आपको अपनी लाइफ में लानी है और वो बातें आपको डेफिनेटली आगे लेकर के जाएंगी। पहली बात कि आपने जो काम शुरू किया है, डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग आपने शुरू किया है, तो आपको याद रखना है कि क्यों किया है। बहुत सारे लोग हैं जो क्विट कर देते हैं, 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने मुश्किल से टिक पाते हैं, उसके बाद में उनको रिजल्ट नहीं मिलता है, कोई ज्वाइन नहीं करता है तो बिजनेस को छोड़ करके निकल जाते हैं। तो आपको उस वक्त क्या करना है, वो बात याद करनी है जिस बात को लेकर के, जिस ड्रीम को लेकर के आपने सोचा था कि मैं ये काम करूंगा। ड्रीम, वो विजन आपने याद करना है तो आपको एक नई ऊर्जा मिलेगी, आपको आगे लेकर के जाएगी और हमेशा आपको पॉजिटिव रहेगी। तो बहुत जरूरी है कि आपको फोकस रखना है उस चीज पर और उस बात पर। सेकेंड थिंग ये है कि आपको पीछे नहीं मुड़ना है। अगर आपने ठान लिया है कि आपको आगे जाना है, आपको अपनी मंजिल तक जाना है, आपको अपने सपने पूरे करने हैं, तो आपको सपनों पर फोकस करके रखना, पीछे नहीं हटना है, पीछे मुड़कर नहीं देखना है लोग क्या कह रहे हैं, क्या हो रहा है, फर्क नहीं पड़ता है। आप अपने आप पर फोकस करके रखिए और देखिए कि क्या सही है क्या गलत है। ये आप ही को पता होगा कि क्या सही है क्या गलत है। सामने वाले को नहीं पता है कि इस बिजनेस की क्या इंपॉर्टेंस है, आपको पता है कि इस बिजनेस की क्या इंपॉर्टेंस है, कहां तक लेके जा सकता है। तीसरा पॉइंट, डरना नहीं है। ये डर आपको पीछे खींचता है, चाहे वो डर किसी भी बात का हो, किसी भी चीज को लेकर के हो। आप जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, तो आपने सिर्फ ये देखना है कि जो आपकी मंजिल है वो कहां तक लेके जा सकती है। तो आपने डरना नहीं है किसी भी बात से। जो डर गया सोचो मर गया, ये बात मैंने नहीं कही है, अच्छे अच्छे जो लोग हैं जिनका इतिहास में नाम लिया जाता है वो खुद कह के गए हैं कि डर गए तो मर गए। लेकिन हम यहाँ पर कहते हैं कि डर गए तो घर गए, कुछ नहीं होने वाला है। और चौथा पॉइंट है कि आपने खुद में विश्वास रखना है। ये बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी पूंजी है और कुंजी है आपको सफल बनाने की। खुद में विश्वास रखना है। आप अगर अपने ऊपर विश्वास नहीं करेंगे, आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो डाउन आ जाएगा, और जब कॉन्फिडेंस लेवल डाउन आया तो आप अपना प्लान या अपनी बात मनवाने के लिए जिसके पास जा रहे हैं वो आपके कॉन्फिडेंस लेवल को देख करके आपको मना कर देगा। तो आपको विश्वास रखना है खुद पर, किसी पर मत रखिए, लेकिन खुद पर विश्वास रखिए और उस ऊपर वाले पर विश्वास रखिए, आप कामयाब होंगे। पांचवा पॉइंट, अपनी जिंदगी की रेस के ड्राइवर खुद बनिए। उस अपने जिंदगी की डोर या अपने जिंदगी की गाड़ी किसी और के हाथ में ना पकड़ाएं। आप ही अपनी लाइफ के कैप्टन हैं, तो आपको पता है कि कैसे अपनी लाइफ को चलाना है, आप ही को पता है कि आप कहाँ जाना चाहते हैं। तो और जब अपनी डोर आप अपने ही हाथों में रखेंगे तो आप तरीके से जाएंगे और सही तरीके से पहुंच जाएंगे आप अपनी मंजिल। सिक्स पॉइंट है, वो है कि किसी की लाइफ से खुद की लाइफ को मत तोलो। आप जो है सही है, वो जो है वो अपनी जगह सही है। वो कैसे मंजिल तक पहुंचा है, कैसे वो उसने काम किए हैं, क्या क्या घटनाएं घटी है उसके साथ में, आपको नहीं पता होता है। तो अपने जीवन को किसी दूसरे के जीवन से मत तोलो और किसी से जेलस फील मत करो कि सामने वाला बहुत कुछ अच्छा कर गया है तो क्यों कर गया है। आपने उस पर फोकस करना है, उसकी अच्छाइयों को ग्रैब करना है, उसके तरीकों को ग्रैब करना है और वो तरीके अपनी लाइफ में उतार करके आपको आगे बढ़ना है, आप अपनी मंजिल तक पहुंचेंगे। सेवन पॉइंट, खुद को एजुकेट करना है। ज्यादा से ज्यादा समय
एजुकेट, अपने आप को एजुकेट करने में लगाना है। एजुकेट का मतलब ये नहीं है आपने किताबें खोल करके रट्टे मारने हैं, नहीं, आपने अपने दिमाग को एजुकेट करना है। आपका दिमाग आपके साथ होना चाहिए, आपका दिमाग आपके दिल के पास होना चाहिए, दिल के साथ होना चाहिए। आपके दिल और दिमाग जब दोनों एक साथ काम करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा, आप अपनी मंजिल तक आसानी से पहुंच सकते हैं। लोगों का दिमाग अपने पास नहीं रहता है, दिमाग कह लीजिए या उसको मन कह लीजिए, मन लोगों का नहीं रहता है, लेकिन लोग कहते हैं कि दिल तो कर रहा है लेकिन मन नहीं कर रहा है, मन कर रहा है तो दिल नहीं कर रहा है। आप क्या कीजिए, दोनों को एक साथ रखिए और उसके बाद आगे बढ़िए। आठवां पॉइंट कि किसी के कहने से अपने काम को मत रोकिए। सामने वाले को नहीं पता है क्या इंपॉर्टेंस है उस काम की और उस बिजनेस की जो आप कर रहे हैं। अगर किसी को समझ में नहीं आया बिजनेस, या किसी को कोई बात समझ में नहीं आई, उसने मना कर दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि इंडस्ट्री खराब है। और दोस्तों, मैं आप सभी लोगों के लिए, जो लोग इस बिजनेस को गलत मानते हैं, जो लोग डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग को गलत मानते हैं, मैं उनके लिए कहना चाहूंगा कि ये देखिए, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा इसका मतलब ये नहीं कि ये इंडस्ट्री गलत है। 75 साल इस इंडस्ट्री को हो चुके हैं और सबसे ज्यादा मिलीनियर होने वाले लोग इस इंडस्ट्री से हैं, तो इंडस्ट्री छोटी नहीं है। हम अपनी बात को नहीं मनवा पाते हैं, इसलिए हमें लगता है कि शायद ये बिजनेस खराब है, इंडस्ट्री खराब है। तो ये इंडस्ट्री खराब नहीं है, हमारी सोच थोड़ी छोटी है, हमें सोच को बड़ा करना है और इसकी एजुकेशन लेनी है और एजुकेशन के साथ हमने बढ़ना है। और अपने इस बिजनेस में अगर आपको कामयाब होना है तो इस बिजनेस आपका मांगता है समय, तो अपने समय को निकालिए और समय के साथ साथ जो आपके एक्सपेंसेस हैं, फालतू के एक्सपेंसेस जो है ना, खर्चे जो है उनको कम कीजिए। 9 पॉइंट की अपना जो सेविंग आप करते हैं ना, लोग कहते हैं कि सेव करो, लाइफ में काम आएगा, फ्यूचर में काम आएगा। अरे, जो सेव है आपके पास उसको इन्वेस्ट कीजिए सेव भी, लेकिन कुछ सेविंग आप अपनी इन्वेस्टमेंट में लगाइए, कुछ अच्छी जगह लगाइए ताकि उस इन्वेस्टमेंट से कुछ आ सके। पैसा रख करके कोई अमीर नहीं बना है, पैसे को इस्तेमाल करके अमीर बना है हर इंसान। तो आप उस पैसे को जो आपके पास जितना भी है, मैं कहता हूं आप उसको इन्वेस्ट कीजिए, कहीं पर भी कीजिए, चाहे उसको इन्वेस्ट कीजिए। और 10वां पॉइंट लास्ट में, सारी बातें हो जाती हैं, हम सब कुछ बोल देते हैं, बड़ी बड़ी हाँक देते हैं, बड़ी बड़ी हम बातें कर लेते हैं, लेकिन आखिरी पॉइंट क्या होता है, आखिर में हमें करना क्या होता है, एक्शन लेना होता है। तो दोस्तों, सोचो कम करो ज्यादा, आपने एक्शन लेना है, इमीडिएटली एक्शन लेना है। आप जब इमीडिएटली एक्शन लेंगे तो आपकी रफ्तार बढ़ जाती है और आपकी जो मंजिल है और वो मंजिल आपको मिलने के लिए बुलाती है, पूरी कायनात आपकी उस मंजिल तक पहुंचाने के लिए ताकत लगा देती है वो कायनात। तो जरूरी है कि हमने एक्शन लेना है, सोचना है, सोचने के साथ साथ एक्शन लेना है। सिर्फ समय नहीं बिताना है सोचने में और बोलने में, बोलने वाले बहुत हैं, कहा भी है कि जो गरजते हैं वो बरसते नहीं है। तो ये थे 10 पॉइंट जो आपको इंप्लीमेंट करने हैं, अपनी लाइफ में उतारने हैं। जो लोग नए लोग हैं, जो इस इंडस्ट्री में घुसते हैं या कोई भी अपना बिजनेस कर रहे हैं या कोई भी अपनी जॉब कर रहे हैं, इन चीजों को ध्यान में रखें और फोकस करके रखें, अपनी क्वालिटी को बढ़ाएं, अपने आप में सुधार लेकर के आएं। और जब आपके अंदर क्वालिटी आएगी तो क्वालिटी लोगों को पसंद आती है। वक्त लगेगा लेकिन वो वक्त आपको बहुत आगे लेकर के जाएगा, आपकी जिंदगी को सवार के जाएगा, आपकी पुश्तों को सवार करके जाएगा।